इस महत्वपूर्ण समारोह में उपस्थित राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्रा जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजन, राजस्थान के लोकार्पण समारोह में भाग लेकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो। इतने सुंदर और सूचनाप्रद संविधान उद्यान का परिकल्पना करना तथा इसे वर्तमान स्वरूप प्रदान करने के लिए मैं राज्यपाल श्री कलराज मिश्रा जी तथा इस कार्य से जुड़ी टीम के सभी सदस्यों की सराहना करती हूँ। संविधान उद्यान के साथ ये अपने घर में जो दो एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। साथ साथ इस राजभवन परिसर में मयूर स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, महात्मा गांधी और महाराणा प्रताप की प्रतिमा का लोकार्पण करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मुझे विश्वास है कि इन प्रतीकों में समाहित उच्च आदर्श की प्रेरणा आने वाली पीढ़ियों की एक जरूर मिलेगा। आज राजस्थान के सौर ऊर्जा उत्पादन को नेशनल ग्रिड में जोड़ने वाले प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ। इसके साथ ही 1000 मेगावाट वाली विकिनार सोलर विद्युत परियोजना का भी शिलान्यास हुआ। पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन एनर्जी पर स्वावलंबन की दिशा में ये सर्वसमस्त महत्वपूर्ण कदम है। देवियों और स्वजन, राष्ट्रपति के रूप में राजस्थान की ये मेरी पहली यात्रा है। पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, महाराणा प्रताप और दुर्गादास राठौर जैसे वीर योद्धाओं से लेकर स्वाधीनता के बाद परमवीर चक्र विजेता मेजर सोतान सिंह और कारगिल युद्ध के शहीदों तक राजस्थान के लोगों ने वीरता और बलिदान की अमित गाथाएं लिखी हैं। पद्माथाई और भामाशाह के आदर्शों की मिसाल आज भी दी जाती है और सदैव दी जाती रहेगी। ऐसे विभूतियों की इस धरती को मैं सादर नमन करती हूँ। हमारी संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है। समानता तथा महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में राजस्थान के एक महत्वपूर्ण योगदान को मैं रेखांकित करना चाहूँगी। वर्ष 1938 में राजस्थान के श्रीहर विलास सारदा ने बाल विवाह को समाप्त करने के लिए एक अधिनियम की रचना की थी जो सारदा एक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार राजस्थान का इतिहास महिलाओं की गरिमा और सशक्तिकरण का इतिहास भी है। इतिहास के ऐसे गौरवशाली आयामों पर राजस्थान के सभी निवासी गर्व का अनुभव करते होंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। देवियों और स्वजनों, हमारे लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र है। हमारे इस महान लोकतंत्र का आधार है हमारा संविधान। इस समारोह में भाग लेकर संविधान निर्माताओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर भी मुझे मिल रहा है। एक कृतज्ञ राष्ट्र के निवासियों की ओर से भारत के अतुलनीय संविधान के असाधारण निर्माताओं की स्मृति को मैं नमन करती हूँ। इस उद्यान में हमारे संविधान के निर्माण की लगभग 3 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा का कलात्मक विवरण दर्शाया गया है। सुरुचिपूर्ण चित्रों, प्रतिमाओं तथा अन्य माध्यमों के जरिए हमारे आधुनिक इतिहास के एक प्रमुख अध्याय की यहाँ प्रस्तुति की गई है। इसके लिए मैं सभी कलाकारों की सराहना भी करती हूँ और उन्हें बधाई भी देती हूँ। देवियों और स्वजन, हमारे संविधान निर्माताओं ने
मसौदों को सरल रखा। उनका ध्यान केंद्रित था संविधान की मूल भावनाओं और उद्देश्यों को हासिल करने में। हमारी संधिना संविधान की मूल भावनाएं हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था और मैं उनके शब्दों को दोहराना चाहती हूँ। मैं समझता हूँ कि संविधान चाहे जितना अच्छा हो वो बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हो। एक संविधान चाहे जितना बुरा हो वो अच्छा साबित हो सकता है यदि उसका पालन करने वाले लोग अच्छे हो। बाबा साहेब संविधानिक नैतिकता यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को बहुत जोर देते हैं। उन्होंने कहा था कि प्राचीन काल में भारत में अनेक गणतंत्र थे जहां राज्य सत्ताएं थी, वे भी या तो निर्वाचित थी या उनमें राजाओं की शक्तियां सीमित थी। प्राचीन बौद्ध संघों में संसदीय प्रक्रिया के उन सभी नियमों का पालन किया जाता था जो आधुनिक युग में सर्वविदित है। सदस्यों के बैठने की व्यवस्था, प्रस्ताव रखने, कोरम, मतों की गणना, मतपत्र द्वारा वोटिंग और निंदा प्रस्ताव आदि संबंधी नियम अभी भी चलन है। प्राचीन भारत में सभा और सीमित जैसे लोकतांत्रिक संस्थान आतिथ्य में थी। हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत भूमि की प्राचीन लोकतांत्रिक परंपराओं को हमारे आधुनिक लिखित संविधान के रूप में पुनर्जन्म दिया था। देवियों और सज्जन, समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रति संवेदनशीलता, लोकतंत्र के प्रत्येक स्तर तथा प्रशासन के प्रत्येक पक्ष के प्रति सजगता के कारण हमारे संविधान निर्माताओं ने एक विस्तृत संविधान की रचना की। अनुसूचित क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन संघ और राज्य के बीच संबंध से जुड़ी व्यापक प्रावधान, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, विशेष सहायता प्रदान करने योग्य वर्ग के संघ संबंधों में विशेष प्रार्थना सहित अनेक क्षेत्रों में विस्तृत व्यवस्था का आधार संविधान निर्माताओं ने हमें सौंपा है। हमारे दूरदर्शी संविधान निर्माताओं के स्पष्ट विचार था कि भावी पीढ़ियों को अपने आवश्यकता के अनुसार व्यवस्था का निर्माण करने के का पूरा अधिकार होना चाहिए। इसीलिए उनके द्वारा हमारे संविधान में ही संविधानिक संशोधन के प्रावधान भी शामिल किए हैं। संविधान संपन्न संशोधन की प्रक्रिया का उपयोग करते हुए अब तक कुल 105 संशोधन किए जा चुके हैं। इस प्रकार हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो समय के साथ बदलती हुई जनमानस की आशाओं और आकांक्षाओं को समाहित करने में पूरी तरह सक्षम है। देवियों और स्वजनों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने पत्र यंग इंडिया में लिखा था कि मैं ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जिसमें गरीब से गरीब आदमी को भी लगे कि अपने देश को बनाने में मेरी बात भी मानी जाती है। भारतीय संविधान पर आधारित हमारा लोकतंत्र बापू के उस विचार के अनुरूप आगे बढ़ रहा है। मैं आज संविधान सभा के उन 15 महिला सदस्यों का विशेष उल्लेख करना चाहती हूँ जिन्होंने लगभग 100 वर्ष पहले के समाज में अपनी पहचान बनाई तथा भारतीय इतिहास को स्वर्णिम योगदान दिया। सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, ओमु स्वामीनाथन, हिंसाबेन मेहटा, मालती चौधरी और बेगम एजाज रसूल जैसे महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़कर बड़े बड़े कार्य किए हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही कि स्वाधीन भारत में पहली बार
वर्तमान संसद में महिला सांसदों की संख्या 100 से अधिक हो गई है। लोकसभा में 82 तथा राज्यसभा में 33 महिला सांसदों का प्रतिनिधित्व होना एक रिकॉर्ड है। हमारी बहनें अपनी संघर्ष तथा योग्यता के बल पर पंचायत भवन से लेकर संसद भवन तक अपनी उपस्थिति और योगदान को निरंतर बढ़ा रही है तथा समाज और देश की सेवा कर रही है। देवियों और स्वजनों, मैं समझती हूँ कि इस संविधान उद्यान के निर्माण का मुख्य उद्देश्य संविधान के आदर्शों के प्रति जागरूकता बनाए रखना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य जो हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने की दिशा में एक कलापूर्ण प्रयास है। इस प्रयास के लिए मैं एक बार फिर राजस्थान सरकार और राज्य के सभी देशवासियों को बधाई देती हूँ। हमारे देशवासी संवैधानिक आदर्श पर चलते हुए प्रगति के नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। ये अपने घर में जो दो एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।